आप सभी लोगों ने आवेश और गुस्से में आकर एक शब्द बोला, आंडू पांडू गांडू। क्या बोला? आंडू पांडू गांडू। तो ठीक है भाई, आपका बोलना भी उचित है, लेकिन आप लोग ये शब्द को छोड़ दीजिए। ये शब्द छोड़ के हमारे पुंजा भील ने आपको तीर कमान दिया है, वो तीर कमान अपने काप के साथ में रखिए। हर व्यक्ति तीर कमान आपके अपने साथ में रखेगा। और दूसरी तरफ एक फोटो और लगा है यहाँ पे बाबा साहब अंबेडकर जी का, तो एक साइड में तीर कमान रखिए, एक साइड में संविधान की किताब रखिए। तो आपको आंडू पांडू गांडू शब्द का इस्तेमाल नहीं करना होगा, और इस्तेमाल नहीं करोगे तो वो लोग जो आपसे थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे कर रहे हैं, वो आप लोग उनको तीर कमान दिखाओगे तो हो सकता है वो लोग आपसे डरने का प्रयास करेंगे। वो डरने का प्रयास करेंगे और आपके ऊपर मुकदमा करेंगे और आपको डराने का दूसरा प्रयास करेंगे। तो बाबा साहब द्वारा जो किताब लिखी है और जयपाल सिंह मुंडा ने जो फिफ्थ शेड्यूल का अंदर जो प्रोविजन रखा है, उसके आधार पे आप लोगों को कोई डरा नहीं सकता, धमका नहीं सकता, और आपको आंडू पांडू गांडू कहने की जरूरत नहीं होगी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। यहां सभी वक्ताओं ने अपने अपने आक्रोश स्वरूप जो बात बताई, उस बात को रखने का आपको अधिकार है, लेकिन आदिवासी परिवार क्या सिखा रहा है? सबका कल्याण करने वाली इस कुदरत प्रकृति की जय अर्थात जोहार। हम लोग उनका भी कल्याण चाहते हैं जो हमारे विरोध में काम कर रहे हैं, हम लोग उनका भी कल्याण चाहते हैं जो हमारे दुश्मन है, हम लोग उनका भी कल्याण चाहते हैं जो राणा पुंजा भील को राजपूत बता रहे हैं, उनका भी कल्याण चाहते हैं कि जाओ भाई फलो फूतो नाओ खाओ आगे बढ़ो, लेकिन भीलों को भीली रहने दो, उसको राजपूत बनाने की हिमाकत मत करो। ये हम लोग कह रहे हैं। और मैंने गए साल भी आपको कहा था, गए साल आपको रोका गया था, ये पूरा पानोवा छावनी बना दिया था पुलिस की ओर से। उदयपुर से पुलिस आई थी, जगह जगह से पुलिस आई थी, और हर आदिवासियों को बोला था वहां नहीं जाना, गोलियां चलेगी, वहां नहीं जाना, मार पिटाई होगा, वहां नहीं जाना, ये होगा। लेकिन इस साल देख लो आप लोग, पुलिस प्रशासन हो सकता है इक्के दुक्के आपकी सेवा में उपस्थित हो, लेकिन दो गाड़ियां उधर लगा दी है जो दूसरी तरफ पुंजा भील की जयंती मना रहे। क्या मना रहे? देखो कुदरत का करिश्मा, देखो पावर ऑफ जोहार। उन लोगों को भी मजबूर होना पड़ा, और आज हमारे भील परिवार होड़की में पैदा हुए, सोलंकी नहीं, होड़की, होड़की में पैदा हुए, वो थोड़े पढ़े लिखे लोग हो गए, इसलिए हमारे भीली शब्द को स लगा के कर रहे हो, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। कम से कम उस भीलों ने जगाया और आप लोग भी हमारे राणा पुंजा भील की जयंती मनाने लगे, इसलिए उनके लिए बजाओ तालियां। हम तो तालियां बजाते हैं अपने आप में। और मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो लोग सोलंकी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने गए साल भी कहा था और इस साल भी कह के जाऊंगा, भीलों में एक गोत्र है होड़की। क्या है? होड़की। अपन थोड़ा सा आगे जाते हैं मध्य प्रदेश के इलाके में, तो जो होड़की है कुछ पढ़ लिख गए वो सोलंकी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो होड़की थोड़ा सा उनको अच्छा नहीं लगा, या फिर आगे वाले ने ह की जगह स कर दिया, जिसकी वजह से वो सोलंकी हो गए। मध्य प्रदेश के झाबुआ इलाके में, गुजरात के दाहोद इलाके में, उससे आगे इलाके में बहुत सारे आदिवासी परिवार भील गण गोत्र के होड़की सोलंकी परिवार है। उस राणा पुंजा भील की बात करते हैं हम, ना कि आपके इस सोलंकी की बात करते हैं। इसलिए अगर ये कहते हो कि हम तो राणा पुंजा राजपूत की मना रहे हैं, तो मनाइए भाई, आप राणा पुंजा राजपूत की मनाइए, और हम लोग 1576 के अंदर राणा महाराणा प्रताप का जो साथी था और इस इलाके का राजा था, उस राणा पुंजा भील की जय
जयंती मना रहे हैं, ना कि आपके राणा पुंजा सोलंकी की जयंती मना रहे हैं। यह आपको उनको कहना होगा, हम हमारे पुरखों की मना रहे हैं। शुक्र करो कि आप लोग भी मना रहे हो। हम गए साल मना के गए थे, थोड़ा पानी वाला भाई, हम गए साल मना के गए थे, उसके बाद में इस इलाके में कौन लोग आए थे भाई? उसी जगह पे कोई लोग आए थे? जगदीश, कोई सेना फेना आई थी? मुझे नहीं पता सेना फेना कोई भी आया होगा। ये वो जगदीश बोला, वो आंडू पांडू ऐसे लोग आए होंगे, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। और आपको गालियां लेके गए कोई बासवा से, कोई कहां से? सिर्फ आप भाषण देने आते हैं क्या? भाषण दिया, तालियां बजाई, शाम को घर से आके सो गए, दूसरे दिन कोई और आया, झापट मारी, वहां से आपको मारेंगे, यहां से मारेंगे, और आप वहां आवाज दोगे हम लोग आएंगे, लेकिन लेट हो जाएंगे, हमको आने में 2 घंटा लगेगा, 3 घंटा लगेगा, समय लग सकता है। इससे पहले आप लोगों को तैयारी करनी है। तमें तैयार था वो पड़ेगा अपने आप में, तमें लड़वू पड़ेगा, तमें हर्जा कामटी उठावे पड़ेगा, तमें दांत रहावा पड़ेगा। ये कालीबाई क्लास ऑफ वजू, ये 13 साल की उम्र में आदिवासी बालिका ने अंग्रेजों से राजपूतों से लोहा लिया और अपने गुरु को बचाने के लिए सिरे पे गोलियां खाई, और आज उससे आप लोग ताकतवर हो। आपके पास साधन संपन्न है, आपके पास शिक्षा है। इस शिक्षा की देवी, साक्षरता की देवी ने आज हर आदिवासी महिला को शिक्षिका बनाया है। कोई पुलिस वाला है तो कोई कलेक्टर है तो कोई पटवारी है तो कोई न जाने क्या है। उस जमाने में हमारे लोग अनपढ़ हुआ करते थे, फिर भी कालीबाई क्लास वाले जैसी दातरा लेके उस सिपाही के सामने हो गई। आज इतने कमजोर तो नहीं हो आप लोग, आप में वो ताकत है। और दूसरी बात, मैं आपको यह भी कहना चाह रहा हूं, अगर आपको कोई उंगली उठाता है, आपको कोई टच करने की कोशिश करता है, तो अभी आपने मालगढ़ पे देखा ही था 17 जुलाई को, देखा कि देखा 17 जुलाई को जो नहीं आए थे सोशल मीडिया के मार्फत से, एक आवाज पे 4 से 5 लाख आदिवासी इकट्ठा हुए मालगढ़ पर। उसके दूसरे महीने में 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस को आपके फलासिया में देख लो, हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए कि नहीं हुए। हमारा डूंगरपुर देख लो, उदयपुर का इलाका देख लो, यहां से लेके आगे तक चले जाओ, लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। तो क्या वो लोग आपकी सहायता के लिए नहीं आ सकते? वो लोग आ सकते हैं, लेकिन अगर आप में ताकत नहीं होगी, आप में डर होगा, तो कोई नहीं आएगा। जब तक पेट में छोटा बच्चा जब भूख लगता है, नानो सुनो, रोए नहीं तो इना है काम करा मिली जाए, इना आई रोए हुआ हुआ करी रोए भाई मार मिमी धावड़ी है तो पसे पिले इना आई मिमी धावड़ा लेगा, नहीं तो इना आई मिमी नहीं धावड़ा। नाना सुरा ने रुझा अगर कोने कहीं नहीं आले, इसलिए हम लोग आपको रोने के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन एकता बनाने के लिए बोल रहे हैं। अगर जिस दिन आपकी एकता प्रस्थापित हो गई और आपने आह्वान किया पूरे भील प्रदेश को, तो निश्चित रूप के आपके फलासिया झाड़ोल कोरोना के अंदर लाखों की संख्या में आदिवासी भील समुदाय यहाँ पे पहुंचेगा, पूरे भील प्रदेश का ज्वाला यहाँ पे आ सकती है। लेकिन उसके लिए आपको तैयार तो होना पड़ेगा, नहीं होना पड़ेगा? बिना खेत अपने खेतर में ओला अच्छा वगैरह जुआर वावी दिया, ओला अच्छा वगैरह हाल वावी दिया, ने फसे हम तय मारे बिस्यार माणी हाल थवानी, ने गाड़ू भरी ने माल थवाना, ने कवला कुटी भराई जावे, ने घंटा ही नहीं भरे तो जारा खाई जी, जारा खाई जी। Thank you.
जारा खाई जी इनके दम जुआ फिर फलासिया में बैठे पड़ा जा पांदरा में बैठे पड़ा अपना लाइट का भी रख जी। ये लोग आपको आपकी ताकत और आपकी आवाज को आगे नहीं जाने देना चाहते। ये लोग हर हमेशा बखेड़ा खड़ा करेंगे, आपके रास्ते में कांटा बनेंगे, लेकिन आपको तैयार होकर वो कांटे साफ करने होंगे। अगर कांटे साफ किए तो वहां से भी लोग आएंगे, इधर से भी लोग आएंगे, सभी जगह से लोग आएंगे। तो आपकी एकता का जो सूत्रपात होगा उससे यहाँ की ताकत ज्यादा आगे बढ़ेगी। दूसरी बात मैं साथ साथ में यह कहना चाह रहा हूं, राजू भाई आए थे यहाँ पे मांडवा कोटड़ा से, मांडवा से ही थे राजू भाई आए थे। कुछ समय पूर्व में एक छोटी मोटी सभा भी हुई थी, लेकिन हमने कहा था कि हम लोग थोड़े व्यस्त हैं, आप लोग थोड़ा सा इंतजार कीजिए, पूरे बिल प्रदेश का कार्रवा हम लोग कोटड़ा के अंदर लेके आएंगे। चलो आप लोगों ने थोड़ा सा कार्यक्रम कर दिया, लेकिन मैं आप लोगों को निश्चित और वादा करके जाना चाहता हूँ, जिस दिन कोटड़ा के आदिवासियों ने पूरे बिल प्रदेश को आह्वान किया तो हम लोग लाखों की संख्या में कोटड़े को फूल बना देंगे। पूरा कोटड़ा आदिवासियों के चप्पे चप्पे से गूंजेगा और हम लोग सरकार से डिमांड करेंगे, सरकार से मांग करेंगे कि आदिवासी इलाके में आपने बहुत डैम बना दिए, अब हमें डैम की जरूरत नहीं है, अब हमारी जमीन बचानी है। अगर वहां के लोग तैयार हो गए, फलासिया के तैयार हो गए और जालौन के तैयार हो गए, तो कोटड़ा में निश्चित रूप से आपका जो दो डैम बन रहे हैं वो डैम आने वाले समय में नहीं बनेंगे। अगर फिर भी बनाने का प्रयास करते हैं तो हर आदिवासी छोटा मोटा चंदा करो, आगे की लड़ाई हम लोग आगे तक जाके लड़ सकते। मैं ताजा उदाहरण देता हूं आपको, 2011 के अंदर उड़ीसा के अंदर नियामगिरी पहाड़ी है, उस पहाड़ी की खुदाई वेदांता जजमैन को दिया, वेदांता को दिया था जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड आपका जावर माइंस के अंदर है, उसको दिया था, वो करोड़पति अरबपति कंपनी है जो पूरे आदिवासी इलाके को खोखला कर गई। तो नियामगिरी पहाड़ी के ऊपर सोना है और उसको खोदने के लिए वहां पर सरकार से उन्होंने पट्टा ले लिया और वहां के आदिवासियों ने तय किया कि ये पहाड़ हमको बचाना है, ये जमीन हमको बचानी है। तो वहां पे उन्होंने ग्राम सभा के मार्फत से एक पत्थर को रोपा और वहां पे वो लोग बैठ गए और लोगों ने कहा कि ये पहाड़ हमारा भगवान है, आने डोंगरे हमें नेक होतरवा दिए। वो लोग अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, उनको कथा घर नहीं आता था, संविधान के बारे में जानकारी नहीं थी, लड़ाई लड़ी, ग्राम सभा बना के वहां पे शिलालेख गाड़ा और प्रस्ताव भी कोई छोटे मोटे लोग पढ़े लिखे थे उन्होंने लिखा और आगे तक भेज दिया। वो उड़ीसा के हाई कोर्ट में मुकदमा हार गए, फिर कोई एनजीओ कोई संस्था जो आदिवासी हितैषी थी वो एनजीओ ने आदिवासियों को सपोर्ट किया और सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो मुकदमा चला। और 2011 से 2013 के बीच में एक बहुत बड़ा फैसला आया, क्या फैसला आया कि आदिवासियों के बारे में सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं ले सकती, आदिवासियों की कार्यपालिका व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का अंतिम पावर आदिवासियों की ग्राम सभा को है। तो ये पावर आपके पास में है तो आपको इस पावर से रूबरू होना होगा, ये ताकत समझनी होगी। अगर ये ताकत जिस दिन समझ गए उस दिन कलेक्टर का कोई भी डिजायर कोई भी कागज, मुख्यमंत्री का कोई भी कागज या राज्यपाल का कोई भी कागज इस इलाके में लागू नहीं होगा। राज्यपाल को मजबूर होना पड़ेगा सोचने के लिए कि आदिवासियों की जो परंपरा है, आदिवासियों के जो कानून है उससे ऊपर उठकर हम नहीं जा सकते। जब सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है तो कलेक्टर क्या चीज है, जब सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है तो मुख्यमंत्री क्या चीज है, जब सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है तो ट्राइबल मिनिस्ट्री क्या चीज है, इसका भी हमें थोड़ा ध्यान होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। और जिस दिन ये ज्ञान हमको हो गया उस दिन निश्चित रूप से अपनी जमीनों को बचाने के लिए हमें ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ साथ में ये जो आपका पी रामी रेड्डी का जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें भी ये लिखा गया है कि आदिवासी इलाके में सीधे तरीके से आदिवासियों के ऊपर आईपीसी 1860 और सीआरपीसी की धारा सीधे तरीके से आपके ऊपर लागू नहीं होगी।
ये भी कहा गया है, लेकिन यहाँ पुलिस वाले जबरन आते हैं, आदिवासियों को जबरन पकड़ के ले जाते हैं, फर्जी मुकदमे बनाते हैं। उन मुकदमों को बचने के लिए भी हमें सुप्रीम कोर्ट का और ग्राम सभा का सहारा लेने की जरूरत है। कहने के लिए बहुत सारी बातें, हम लोग आज इस कार्यक्रम में नहीं आने वाले थे। मैं भी 19 तारीख से लगातार बोल रहा हूं और जो गला बैठा हुआ है, फिर भी विशेष आग्रह पे हमने सोचा कि नहीं जाना चाहिए। इसलिए जाना चाहिए कि पास में एक और जयंती मनाई जा रही है, हो सकता है माहौल बिगड़े और हमारे जाने से वो माहौल सुधरे, इसलिए हम लोग दोबारा इस पानरवा की धरती पे आपके बीच में आए। और निश्चित रूप से मुझे विश्वास, हमें विश्वास हो गया, जितने भी लोग बैठे हुए उनको विश्वास हो गया कि हमारे आने की वजह से माहौल ज्यादा यहाँ का शांतिप्रिय हो गया और ताकतवर हो गया, और वहां का माहौल ठंडा हो गया, खत्म हो गया। ये पावर आप लोगों ने दिखाया, तो आने वाले समय में अगर आप लोग ऐसे ही ताकतवर बने रहे और जितनी भी बातें हमारे वक्ताओं ने बताई और मेरे पीछे जो भी वक्ता बातें बताएंगे, वो बातें अगर आप लोग अमल में ले आएंगे, अगर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारी सफलता कदमों में झूमेगी। दूसरी बात, अभी जगदीश भाई और बता रहे थे, मैं उसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। क्या आपने सुना मोटरसाइकिल बटबड़च गैर में खवारा दाणा नहीं मिले, सोका हारू हाल नहीं पाकते है, बार साढ़ा बाजार पड़ी क्या, क्षेत्र फाटी गेंद टूटी किया, बजाड़ा टूटी किया, फिर भी सोरो एम के ए आई मारते मोटरसाइकिल जूझे फटफट जूझे, हमारे बापा मोटरसाइकिल जूझे फटफट जूझे, और वो ऐसा बाइक लाते हैं पीछे से इतनी लंबी गदड़े जैसी, मतलब गदड़ों में वो सीधा आता है, वो गाड़ी इतनी पीछे होती है कि पीछे बैठने वाला इतना लंबा होता है, और वो बिना हेलमेट से गाड़ी चलाते। तो जगदीश भाई की बात को मैं आगे बता रहा हूँ, बिना हेलमेट से गाड़ी चलाते हैं, सोम घाटे से उतरते हुए अगर गिर गए तो उनके माथे का आमलेट बन जाता है, आमलेट नहीं टूट हेड़ा में नकड़े, आमलेट बन जाता है, और उस आमलेट की कोई कीमत नहीं आती है। इसलिए कीमत नहीं आती है क्योंकि उसका इंश्योरेंस नहीं होता, गाड़ी के कागजात नहीं होते, हेलमेट नहीं पहना होता है, तो उसका आमलेट बनना तो तय है, और आमलेट बनना तय है तो फिर वो सोम मरी जाए, अरे बाद में ना आए रोए दिगरा मारा जाता रहे जो करीब साथी कुटी कुटी दूर हुए। अगर मान लो अगर उसका है हेलमेट पहना हुआ है, इंश्योरेंस किया हुआ है, अगर फिर भी वो आदमी मर जाता है, तो कम से कम 2 से 5 लाख रुपया आपके मृत परिवारों को इंश्योरेंस के मार्फत से देके जाएगा। तब उसकी मार होते हुए ये कह सकती है दिगरा मारा गियो दिखियो पर 5 लाख आ ली गियो, ये बात तो कम से कम निकल के आएगी। हम आदिवासियों को मारना नहीं चाहते, आदिवासियों को कोई भला बुरा नहीं कहना चाहते, लेकिन जो लोग हमारे सुधरना नहीं चाहते उन लोगों को मेरा एक संदेश है कि आने वाले समय में सुधरिए और आगे बढ़िए। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं, सभी ने फोकस दिया है बालिका शिक्षा को लेके, पुंजा भील जो लड़े वो महाराणा प्रताप को बचाने के लिए लड़े, और महाराणा प्रताप के साथ साथ में हमारे इलाके में दूसरे लोग नहीं आए तो हम साथ साथ में मिलकर लड़ रहे हैं, ऐसा करके लड़े। क्यों लड़े कि हमारे जंगलें बचे, हमारे जमीनें बचे, हमारे संवैधानिक अधिकार बचे। उस समय भी हमारे अधिकार थे जो कस्टमरी परंपरा के थे, जो संविधान में एज टू एज रखे गए, जयपाल सिंह मुंडा की लड़ाई की वजह से वो रखे गए, बाकी सारे लोग काटने वाले थे। और ये अधिकार अभी डॉक्टर साहब ने बताया, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से आए हुए महंगे मेहमान, उन्होंने बताया कि हमारी लड़ाई तिलका मांझी से हुई, लेकिन उससे भी पहले आदिवासी लोग बहुत लड़ाइयां लड़ रहे थे, और लड़ाइयां लड़ते लड़ते तिलका मांझी लड़े, बहुत सारे लोग लड़े, और 1855 का जो लड़ाई हुई संथाल विद्रोह हुल क्रांति कहते जिसको, उसके अंदर 30,000 आदिवासी मारे गए। और तब अंग्रेजों ने देखा कि यार ये लोग क्यों लड़ रहे हैं, किसने लड़ रहे हैं, तो वो अपनी परंपरा बचाने के लिए लड़ रहे थे। तो अंग्रेजों ने सोचा कि आदिवासियों को उनकी परंपरा के अनुसार जीने दिया जाए, अंग्रेजों का कानून उस पर लागू नहीं किया जाए, और जो मनुवाद का कानून है वो भी लागू नहीं किया जाए, इन कानूनों से मुक्त रखा इस इलाके को लेके। फिर उसका सर्वे हुआ और 1874 के अंदर शेड्यूल एरिया डिस्ट्रिक्ट एक्ट बना, तब आपके बाबा साहब का जन्म भी शायद नहीं हुआ था और महात्मा गांधी भी छोटे बच्चे थे, तब से आदिवासियों के अधिकार लड़ झगड़ कर अंग्रेजों के द्वारा उन्होंने ले लिए थे।
अंग्रेजों ने हमें कोई खोराक में नहीं दिए, कोई दान में नहीं दिए थे, ये अधिकार आदिवासियों ने अपनी लड़ाई के मार्फत से लिए थे। 1874 के अंदर शेड्यूलर डिस्ट्रिक्ट यानी पांचवी अनुसूची बन चुकी थी और संविधान लागू हुआ आपका 1950 में। कितने समय पहले आदिवासियों ने अधिकार लिए थे और वो आज अधिकार हमारे नेता लोग बेच रहे हैं। वो था जी भाई वहां एक बे आदमी जो शांति रखो, वो अधिकार भेजो इतने पहले सोरस लोग पैन आप जी हटली करें, आप लोग बैठ जाओ। वो अधिकार हमारे बाप दादाओं ने लड़ झगड़ कर लिए और आज हमारे ही नेता, हमारे ही चुने हुए जनप्रतिनिधि वो अधिकार का बेचार कर रहे हैं, वो अधिकार दूसरे लोगों को बेच रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आदिवासी इलाके में पांचवी अनुसूची और फ्री विलेज ये बोलता है कि ये 100% मालिका का हक, मालिक का हक आदिवासियों का है, लेकिन आदिवासी भी दरिया दिल आदमी है, उन्होंने कहा हमारा है उतना दो, बाकी हम लोग आपको फ्री में मेहमानगिरी रखने के लिए दे सकते हैं। तो आदिवासियों ने सोचा कि हमारी जितनी संख्या है उस संख्या के अनुरूप हम लोग देंगे तो भी हम लोग मान जाएंगे, इसलिए हमने कहा कि 5% एससी समुदाय को दिया जाए, बाकी कुछ जनरलों को दिया जाए। लेकिन उन लोगों ने क्या किया कि अपन को 45 पे रोक दिया और 50% गैर आदिवासी प्रजा को बांट दिया। लड़ाई वहां से स्टार्ट हुई और इस लड़ाई के अंदर हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अगर हम लोग आने वाले समय में एक होकर नहीं लड़े तो वो 45 भी ये लोग खाने के लिए तैयार है, ये सारा खत्म करने के लिए तैयार है। मैं आपको कहना चाह रहा हूं, अभी केंद्र सरकार में एक कानून पास हो रहा है, जैसे ओबीसी के ऊपर जो कानून पास हुआ क्रिमिनल का, जो लोग नौकरी लग गए उनके बच्चों को आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, जो लोग नौकरी लग गए उनको आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, ठीक उसी प्रकार से अभी आप लोग देखते हैं चुपके से और पर्दे के पीछे से आदिवासियों के ऊपर भी ये कानून लागू कर दिया है। जैसे मान लीजिए कोई आदिवासी नौकरी कर रहा है और उसके बच्चे को स्कूटी नहीं मिल रही है, कोई आदिवासी नौकरी कर रहा है उसके बच्चे को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, तो ये कानून धीरे धीरे आदिवासियों पे लागू कर दिया है और अब लोग ये फुल एंड फ्रेश लागू करने वाले हैं कि आदिवासी एक बार नौकरी लग गया तो उसको नौकरी नहीं मिलेगी, उनके बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी, प्रमोशन भी नहीं मिलेगा, सारा कुछ नहीं मिलेगा। ये कानून अभी केंद्र सरकार लागू करने वाला है। तो आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने हमारी परंपरा को छोड़ के कोरोना के अंदर ताली बजी, थाली बजाई और दीपक जलाए, कोरोना भागेगा ऐसा करके नरेंद्र भाई मोदी ने बोल दिया। भाइयों बहनों, कोरोना भगाना है तो थालियां बजानी है, तो आप लोग भी घर से निकल गए, तार 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 थालियां बजा दी, फिर 10 दिन बाद में कहा कोरोना भगाना है हर घर दीपक जलाना है। अरे घेर में तो खावानो तेल नहीं है, हन्नु वगरवान तेल नहीं है, कुकड़ू खावान तेल नहीं है, पेड़ा खावान तेल नहीं है, दाल वगरवान तेल नहीं है, ने आखिर रातर दिवा बढ़ जा अपने आखिर रातर बढ़ जा नहीं बढ़ जा। तो वो लोग आपको गलत सिखा रहे हैं और जो हम लोग बता रहे हैं उसको आप लोग मानने के लिए तैयार नहीं हो तो फिर वो लोग आपका विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे। और मैं हमारे बीच में जो महाराज बैठे हैं, कुछ महाराज आए हुए हैं आदिवासी महाराज, उनको कहना चाह रहा हूं थोड़ा ध्यान से सुनिए। महिला वगैरह मैं ज्यादा बताने वाला नहीं हूं क्योंकि मेरा भी गला खराब है। जो महाराज बैठे हैं, जो आदिवासी महाराज है, उनके पास जाओ आप लोग। कब जाओ? सूर्य पंडावण है, लगन कांड वही, फेरा फराव नहीं, अणक नहीं जो पेला बामण कने होकर वाजो, तमी सुरो तमी पैदा करो, नहीं ने नाम लकाड़वा बामण ने पूछो भाई मार सुरान हो नाम लखू, अले भाई क्या इतना दो रोटी हम भी खाते। ये लोग आपको पंडित के पास है और वो हमारे आदिवासी लोगों को बुलाओगे तो सारे चक्र जमड़े फेरे हम करवाएगा, जो कुदरती शक्ति का जो मंत्र है वो आपको देगा और वहां पे आपके अच्छे संतान हो सकते हैं। और जिन्होंने उल्टे चक्र में शादियां किया है, जैसे आपने घटे उल्टी फरे तणजे मड़े एम जे उल्टी फेरवे एम अगर कोई पणजू है तो अंदर सूरज थाता नहीं, हमें डूंगरपुर में गणेश ऊंची। और मैं एक बात और आपको और बता रहा हूं, तो ध्यान से सुनिए क्या बता रहा हूं कि शादी के वक्त आपका जो पंडित आता है क्या मंत्र गाता है आपको कुछ पता है क्या? कहीं खबर पड़ा आपने हम मंत्र गाए?
मैं थोड़ा बन जाऊं एटली फोरो फोरो खबर पड़ जो हूँ गाय ओम स्वाहा फिटी जा मरी जा तारो नका खोज जाजे क्या बोलता है वो ओम स्वाहा फिटी जा मरी जा तारो नका खोज जाजे तार जगह पड़े हमारे थाई जाए तो मरी जाजे ना अपने उनका बढ़िया मंत्र गजुए अगर वो पंडित के पास जाओगे आदिवासी महाराज के पास जाओगे तो धरती आकाश सूर्य पवन पानी वायु अड़ा देगा पुरखा रहा देगा न तमन ताकत आएगा न तमें जमना फेरा फिर देगा तो ये अपनी संस्कृति बचेगी और वो पर संस्कृति ग्रहण का जो आप लोग ले रहे हो वो एक दिन आपको आदिवासी की निष्ठा से बाहर करेगा। और ये महाराज को मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग सादा सूर्य नहीं भक्ति वाली शक्ति रखो, जो आपको दिखता है शाश्वत दिख रहा है सूर्य वो भगवान है, रात को जो आपको चंद्रमा दिखता है वो भगवान है, ये नदी नाले भगवान है, पेड़ पौधे भगवान है, जिससे हमारा जीवन चलता है वो शक्ति के पुजारी आप लोग बनिए और हम लोग आपके पैर पड़ने के लिए तैयार है। लेकिन आप लोग चुपके से जाकर वहां इंदौर जाके और आपका कौन सा उज्जैन जाके उनके पैर मत पड़िएगा तो फिर हम लोग आपके भी पैर नहीं पड़ेंगे। ये आपके लिए मेरी एक बात थी, बाकी बुरा मत मानना क्योंकि आज आदिवासी हर इलाके में सक्षम हो रहा है, आदिवासी अपने कॉलेज भी खोल रहा है, आदिवासी अपने स्कूलें भी खोल रहा है, आदिवासी अपनी प्रकृति पूजा के जो स्थल है उसको भी विकसित कर रहा है, आदिवासी पांचवी अनुसूची के कैडर भी बना रहा है, आदिवासी अपने पहले आज से 10-20 साल पहले ऐसे महापुरुषों के फोटो उन लोगों ने दबा के रखे थे वो आज आदिवासी परिवार ने ऊपर निकाल के रख दिए हैं और आपको ये फोटो ये प्रतीक चिन्ह भी आपको हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं, आपको दिला रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोग अपने घर के अंदर राणा पूंजा भील का फोटो लगाइए, आप लोग अपने घर के अंदर बिरसा मुंडा का लगाइए, जयपाल सिंह मुंडा का लगाइए, टंटिया भील का लगाइए, आपके लिए जिन्होंने कुछ किया ही नहीं आप उनकी पूजा करोगे तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। हम लोग यहाँ पे बैठे थे और हमारे आदिवासी समुदाय के और आदिवासी परिवार की विचारधारा से जुड़े हुए एक बहुत बड़े कर्मचारी ने घोषणा किया है, जगदीश ने किया, उससे पहले भी घोषणा किया था, तो मैं घोषणा आपको बता के जाना चाह रहा हूँ। उन्होंने क्या घोषणा किया है कि पानरवा कोटड़ा जाड़ोल फ्लासिया वाले अपने चंदे से राणा पूंजा भील की मूर्ति बना के जहां लगाए वो लगाए, लेकिन आने वाले समय में एक साल के अंदर जो पानरवा में घुसते ही सोम का घाटा है उस घाटे के अंदर एक बहुत बड़ी पहाड़ी देख लीजिए, उस पहाड़ी पे आदिवासी समाज द्वारा भील समुदाय द्वारा आदिवासी परिवार द्वारा राणा पूंजा भील की मूर्ति अगले साल आपको मिल जाएगी। सोम घाटे के ऊपर चढ़ते ही तो उससे क्या होगा, जो भी इस इलाके में आएगा वो सोचेगा कि राणा पूंजा भील का धरती यहां से स्टार्ट हो रहा है और आने वाला दिकू आदमी आने वाला नॉन ट्राइबल आदमी डरता हुआ आएगा। जिस प्रकार में हल्दी घाटी के युद्ध में गोरिल्ला युद्ध से मुगलों को भगाया ठीक उसी प्रकार से कहीं हमारा तो कोई नुकसान नहीं होगा, इसलिए वो आपकी जमीन पे कब्जा करने के लिए नहीं आएगा, इसलिए आपके ऊपर कोई दूसरी संस्कृति थोपने के लिए नहीं आएगा, इसलिए आपके संवैधानिक राइट्स को दबाने के लिए नहीं आएगा, वो आपसे थोड़ा सावधान होकर आएगा। इसलिए वहां पे आने वाले समय में मूर्ति स्थापित होगी वो भी कुछ लोगों द्वारा वहां पे चंदा करके भी लगाएंगे लेकिन वो आपके अलावा वहां मूर्ति लगेगी। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं आप लोगों से कि अभी पूंजा भील का तो पूरे भील प्रदेश में स्टेचू लग गया, आज मुझे मध्य प्रदेश जाना था वहां पे तीन जगह पे आज मूर्ति लगने वाली थी, तीन जगह पे, एक तो पेटलावद में मूर्ति लग रही है, एक सेलाना में लग रही है, एक झाबुआ में लग रही है, वहां के आदिवासियों ने स्टेचू बनाए, बड़ी बड़ी मूर्तियां वहां बनाई थी, वहां जाने वाले थे लेकिन थोड़ा सा बीमार होने की वजह से मैं वहां नहीं जा पाया और मणिलाल जी ने कहा वहां जाके आते, मैंने कहा चलो भाई यहां जाके आगे। तो मान लीजिए आप लोगों ने अकेले राणा पूंजा भील भील ही कर दिया तो आने वाले समय में जगह नहीं बचेगी, इसलिए इस जगह पे राणा पूंजा भील की मूर्ति तो उस जगह पे इंडियाज रॉबिनहुड टंटिया भील की मूर्ति भी आपको लगानी होगी। टंटिया भील जो आप नहीं जानते हो जो मध्य प्रदेश के खंडवा इलाके में भील परिवार में पैदा हुए थे और उन्होंने
अंग्रेजों को बहुत डराया धमकाया था, और वहां से एक ट्रेन गुजरती है और वो ट्रेन वहां पे रुकती है जहां टंट्या भील की समाधि बनी हुई है, और समाधि पे वो सैल्यूट करके ट्रेन जाती है। उससे आगे निकलते ही ट्रेन का लड़खड़ा जाती थी। ये ताकत आपके भीलों में है और उसको रॉबिनहुड कहा गया है। किसी को भी रॉबिनहुड नहीं कहा गया, महात्मा गांधी को भी नहीं कहा गया, सुभाष चंद्र बोस को भी नहीं कहा गया। जितने भी अपन लोग किताबों में पढ़ते हैं जो जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी उनको भी नहीं कहा गया, लेकिन एक धर्म का विषय है, एक आदिवासी को, एक टंट्या भील को रॉबिनहुड की संज्ञा दी है। इसलिए आप लोग आने वाले समय में टंट्या भील का भी स्टेचू लगाने का प्रयास करेंगे। और बीच में आपके बीच में ये जयपाल सिंह मुंडा है, जिनको आप लोग नहीं जानते, बहुत कम लोग जानते हैं। जयपाल सिंह मुंडा भी आदिवासी परिवार में ही जन्मे थे। उन्होंने संविधान के अंदर, हमारे डॉक्टर साहब ने कहा हमको ये जनजाति फनजाति शब्द नहीं चाहिए, हम इस देश के मालिक हैं, इस धरती के वारिस हैं, और हमको मात्र और मात्र आदिवासी शब्द ही लिखा जाए। लेकिन जिस दिन प्रस्ताव पारित हुआ संविधान सभा में, उस दिन की अनुपस्थिति में जयपाल सिंह मुंडा नहीं थे, उन्होंने प्रस्ताव पारित कर दिया और हमको भी अनुसूचित जनजाति बना दिया। जनजाति का कोई डेफिनेशन नहीं है, जनजाति का कोई अर्थ नहीं है। ट्राइबल का अर्थ है और आदिवासी का अर्थ है। आदिवासी नो मतलब था आदो आद नो धनी अरे धरती नो मालिक दुर्म नो धनी, ये अर्थ होता है उसका। अनादिकाल से रहने वाला प्रथम मानव इस विश्व पे, तो हम भारत के प्रथम मानव है। हम कहीं बाहर से आए नहीं, कहीं बाहर गए भी नहीं है, और जितने भी लोग आए हैं वो बाहर से आए हैं। मैं नहीं कह रहा, 5 जनवरी 2011 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बोल रहा है, उसमें साफ कहा गया है कि 8% आदिवासी इस देश के मालिक है और 92% प्रजा इमिग्रेट पीपुल है, यानी बाहर से आई हुई है। तो बाहर से पीपुल आई हुई है, बाहर से जो लोग आए हुए हैं वो आज राणा पुंजा भील को सोलंकी बता के जयंती मना रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बोल रहा है। तो आपको इससे भी सीखना होगा, आप मालिक हो, आप में ताकत है। और हम लोग, ये जो प्रकाश भील मारा गया, किसी ने राजपूत लोगों ने पैर काट लिए, पैर यहां से काट लिए, कौन से इलाके में मरा ये मारा भाई, इसवाल में उसको मारा। कुछ समय पहले आप देख लो नीमच में किसी भील को और मार दिया गाड़ी से लटका के। और हमारे अंदर हमारा भीलों का खून कभी उबाल नहीं मारता, क्यों नहीं मारता? एक भील को मारा जा रहा है तो दूसरे भील को जागना होगा, यानी दूसरे आदिवासी को भी जागना होगा। एक मुसलमान को कोई अगर मार दे, मार पिटाई भी कर दे उदयपुर के अंदर, तो उनकी एक आवाज पे पूरे देश में मुसलमान आवाज उठाते हैं। और यहाँ पे किसी कटारा को मार दिया, किसी पांडव को झापट मार दी, तो कोई परमार उसके साथ में नहीं आएगा, रोत नहीं आएगा, कटारा नहीं आएगा, डाबी नहीं आएगा, ये सारे लोग पारगी नहीं आएंगे। वो बोलेंगे या तो यार इस पांडव को मारा है, ये रोत को मारा है, मेरा क्या लेना देना। लेकिन ये छोड़ के हमको ये सोचना है कि मेरे समाज के व्यक्ति को मारा है, हमको तलवार और धारी लेके नहीं जाना है। कम से कम उस व्यक्ति की सुरक्षा में, उसको हॉस्पिटल पहचाने में, उसको न्याय दिलाने में अगर हम लोग उसके साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में किसी भी आदिवासी को कोई उंगली उड़ाने के लिए तैयार नहीं हो। जैसे वो फिल्म में नाना पाटेकर ने कहा, कोई फिल्म आई थी उसके अंदर, बजाओ ताली मैं मेरे को फांसी पे चढ़ा देंगे, ए जीवन बाहर निकल के आ जाएगी, घर जाके सो जाओगे। यही आप लोग कर रहे हो आज की तारीख में। आज पुंजा भील जयंती मनाई, आ गए तालियां बजाए, घर जाके सो गए, कल मार पड़ी। हमारे साथियों ने कहा कि 2023 आ रहा है, तो 23 आ रहा है, आप लोगों को तैयार होना है। मैं यहाँ किसी व्यक्ति विशेष के लिए ये एमएलए बनेगा वो एमएलए बनेगा मैं कह के नहीं जाना चाह रहा हूँ। आप लोग जो तय करोगे, जाड़ोल वाले, कोंडा वाले, फलासिया वाले, आप लोग सर्वसम्मति से किसी व्यक्ति को तय करोगे, और जो व्यक्ति आपके लिए रात दिन मेहनत करता हो, रात दिन आपके लिए लड़ाई लड़ता हो, ऐसे व्यक्ति को आप विधानसभा भेजने का प्रयास करोगे, तो निश्चित रूप से आपके इलाके में जो डैम बन रहे, आपके इलाके में जो जंगल का भी टाइगर प्रोजेक्ट बनाने वाले, आप लोग सावधान हो जाओ, जाग जाओ। ये फुलवारी की नाल वाला जितने सोम वाला इलाका है, ये सारा का सारा कोटा वाला इलाका, अभी यहाँ पे सीतरा लावी मिलवाना है, न्याड़ा वाघ
सीतरा बाहर से लाके ये इलाके में जंगल छोड़ जंगल के अंदर विकसित करके शेर रखने वाले हैं और आदिवासी को वहां से खदेड़ने वाले तभी इनके तो सीतरो रह रहे मार जगाते ले जाए। लेकिन सरकार जानबूझकर आपको आपकी जमीन से बेदखल करके यहाँ पे शेरों को रखने वाली है, हम इंसानों को भगाने वाली है और इस देश के मालिकों को भगाने वाली है। अगर आप तैयार नहीं रहे तो ऐसा मत सोचना मेरी जमीन बच जाएगी, किसी की जमीन नहीं बचेगी। एक को लेंगे, दूसरे को लेंगे, तीसरे को लेंगे, एक साथ में जमीन नहीं लेंगे, टुकड़ा टुकड़ी लेंगे। पहले एक पंचायत लेंगे, दूसरी पंचायत लेंगे, तीसरी पंचायत लेंगे। पहली लेंगे तो दूसरी तीसरी वाले नहीं बोलेंगे, आवाज नहीं उठाएंगे। फिर वो पहली वाला सोचेगा अरे मेरा जब लिया तो इतना आवाज नहीं उठाई, दूसरी वाला ऑटोमेटिक फिर गया, तीसरी वाला गया। इस प्रकार से धीरे धीरे सारी जमीनें जाएगी। लेकिन इस इलाके में दूसरे भी प्रोविजनल हैं कि एक इंच जमीन केंद्र सरकार राज्य सरकार की नहीं है, ये भी है। लेकिन उसको भी आप लोग समझने के लिए तैयार नहीं हो। और आपके यहाँ का एमएलए कौन है, कौन है भाई एमएलए? अभिनव खराड़ी, कई पार्टी ना बीजेपी, फुल्ला वालों, फुल्ला वालों आदमी है। तो बीजेपी वालों ने आपको मूर्ख बनाया। भाइयों बहनों, आपके खाते में 15-15 लाख रुपए दूंगा। किसी के खाते में 15 लाख रुपए आए तो देना भाई, मेरा डीजल नहीं है, गाड़ी में थोड़ा डाल के जाऊंगा। है किसी के पास 15 लाख रुपए है? क्योंकि हमको रोज कार्यक्रम में जाना पड़ता है, दारू दारू कार्यक्रम में जाने के नौकरी नहीं करता है। दो क्षेत्र फेरे नाविगर आने के नेता नहीं हो, हम भी आपके जैसे लोग हैं, हम भी बेरोजगार लोग हैं। लेकिन आप लोगों को जगाने के लिए हम लोग आए हुए हैं। तो 15-15 लाख रुपए दूंगा ऐसा करके आपसे वोट ले लिए। और आज दो बार प्रधानमंत्री है और बाबूलाल जैसे आपके एमएलए हैं और आपका यहाँ पे सारी जमीनें जा रही है, कोई आवाज नहीं उठा रहा है। अगर यहाँ पे कोई आपके हितेशी आप में से कोई एमएलए भेजा होता तो निश्चित रूप से वहां विरोध करता। और जो कोरोना के कम से कम 12 पंचायतों की जमीनें जा रही है वो 12 पंचायत में जगाते वस्ते। लेकिन फिर भी हम प्रयास करूंगा कि जगह वसावड़ा ने तो आराम तमार है ना हाथ जुजे। साथियों, मैं अपनी बात को यही विराम दूंगा। हमारे आदिवासी परिवार का एक विजन है, एक लक्ष्य है और हमारे लोग कहते आए हैं कि आदिवासियों को जगाना बहुत मुश्किल काम है, आदिवासियों को जगाना बहुत मुश्किल काम है। अगर जाग गए तो उसको रोकना भी उससे भी बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए आपको जागना होगा। ये आपको रोकने के लिए नाना प्रकार के प्रयास करेंगे, कभी अपने के बीच में आदमी खड़ा करेंगे। इतिहास गवाह है, आप लोग देख लीजिए। आज दशमलव का दिन है, मैं किसी धर्म के नाम पे कोई व्याख्या नहीं करना चाहता, लेकिन विभीषण आपके घर में से ही पैदा होगा और उन विभीषणों की पहचान आपको करनी होगी। और इसी के साथ में मैं भील प्रदेश की धरती से गुणवाला प्रदेश की धरती को भी सैल्यूट करना चाहता हूँ कि आज राणा पुंजा भील जयंती के साथ साथ में गुणवाला की रानी दुर्गावती की भी जयंती है। तो पूरे भील प्रदेश की ओर से गुणवाला को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि अब यहाँ पे एक वीर सपूत पैदा हुआ तो वहां पे एक वीरांगना पैदा हुई। और आज दोनों का आज महान दिन है, उस दोनों महान हस्तियों को पूरे आदिवासी परिवार की ओर से हम लोग जोहार नमन करते हैं। और आने वाले समय में हमारे परिवार में भी पुंजा भील जैसे लड़के पैदा हो, बिरसा मुंडा जैसे लड़के पैदा हो, टंटिया भील जैसे लड़के पैदा हो। लेकिन कोई पैदा करना नहीं चाहता, इसलिए पैदा करना नहीं चाहता कि पुंजा भील तो लड़ाई करेगा तो मर जाएगा, टंटिया भील लड़ाई करेगा तो मर जाएगा। और ये दुआ करते हैं कि टंटिया भील पुंजा भील मेरे घर में पैदा नहीं हो, पड़ोसी के घर में पैदा हो। तो ये अगर आपने जिस दिन छोड़ दिया कि पड़ोसी के घर में भी टंटिया भील पैदा होना चाहिए और मेरे घर में भी पुंजा भील पैदा होना चाहिए, इसके घर में बिरसा मुंडा जैसा पैदा होना चाहिए, अगर जिस दिन ये हमारे आदिवासी परिवार में पूरे एकता प्रस्थापित हो गई और उन महापुरुषों के जैसे लोग हमारे घर में पैदा होना चालू हो गए, उस दिन आप लोगों के वारे न्यारे हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े करके आपको अधिकार दिला सकते हैं। और ये आपकी अंतिम पीढ़ी बची है लड़ाई लड़ने वाली। मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में इतना समय देगा कोई और जनजागरण करेगा।
जो जग जनजागरण करता आया है, या तो उसको दबा दिया गया है या उसका कैरियर खत्म कर दिया गया है। इसलिए साथियों, जितना हो सके उतना जल्दी जाग जाओ और निश्चित रूप से आने वाले समय में आपके इलाके से कोई स्वतंत्र आदमी, कोई मजबूत आदमी विधानसभा में भेजोगे तो आपका भला निश्चित जरूर होगा। और आने वाले समय में आपके साथ में शोषण अत्याचार अन्याय होगा तो हम लोग लेट ही सही, लेकिन आपके बीच में जरूर खड़े मिलेंगे। रात को भी आएंगे, चाहे दिन को भी आएंगे, आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के आपकी लड़ाई को लड़ने का हम लोग प्रयास करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ में आपने हमें सुना, आपने बुलाया और हमने जो आपका समय लिया उसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत आभार करना चाहता हूँ। आने वाले समय में हम लोग ज्यादा मिलेंगे और आप लोग आज से कमर कस लीजिए, 2023 की भी तैयारी कीजिए, महापुर को भी तैयारी कीजिए और आने वाले समय में हम लोग एकता बना के काम करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ में आप सबकी जय, जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश और बोलिए राणा पुंजा भील की, रानी दुर्गावती की, रानी दुर्गावती गोंडवाना की थी। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जोहार।